छत्तीसगढ़ विधानसभा पई द्वितीय पर्याय मतदान जारी बाकी थिबा 70 आसन पई वोटिंग मुख्यमंत्री भूपेश बाघेल के सिंहदेव सहित 8 मंत्री 4 सांसद सहित 958 जन प्रार्थी भाग्य परीक्षा 22 जिलार 70 आसन पई 827 जन पुरुष 130 जन महिला और जड़े किन्नर निर्वाचन रणांगण ने भाग्य परीक्षा कर 1,63,14,479 भोटर यह पर्याय मताधिकार सब्यस्त कर 70 निर्वाचन मंडल में मोट 18,833 पुलिंग बुथ्र व्यवस्था कर द्वितीय पर्याय निर्वाचन पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी नवेम्बर 7 तारीख में प्रथम पर्याय भोटिंग होता नक्सल प्रभावित 20 आसन पर होता मतदान नवेम्बर 7 में होता प्रथम पर्याय भोटिंग 78% मत सब्यस्त होता ओके संपर्क अधिक सूचना पाई रही प्रतिनिधि दुज छत्तीसगढ़ मानपुर रही प्रतिनिधि मनोज दास रही छत्तीसगढ़ रायपुर रही प्रतिनिधि रविनारायण रही मनोज प्रथम आपापी चाहिए मानपुर केमती चली मतदान कारण यहाँ हूँ द्वितीय पर्याय मतदान चली सुरक्षा व्यवस्था भी ढेर कड़ाकड़ी प्रथम पर्यायर जो त्रुटि देखा मिलता खासकर जो आम कह माओ अटाक आखि आगे रखी सुरक्षा व्यवस्था को कमी कड़ाकड़ी कर मोट उपरे मतदान केन्द्र में आज के आग्रह उत्साह देखुं लोकों भितर निश्चित भाव ना देखो प्रथम स्पष्ट करने चाहिए जदि छत्तीसगढ़ निर्वाचन कथा कह प्रथम पर्यायर छत्तीसगढ़ निर्वाचन 7 तारीख में सरी द्वितीय पर्यायर जो मतदान रही है मानने आज कथा जदि कह 17 तारीख ये भितर 10 दिन अंतर रखा जाता बर्तमान आम अच्छे जो मनपुर ब्लक संगवारी जो रही बुथ रही पिंक बुथ रही रही सब बड़ कथा हो कि माओ भय भितर माओ गड़ में खुलम खुला चैलेंज करके भोटर मैंने आसुंच निजर गणतंत्र जो महापर्व और गणतंत्र ये महापर्व से निज मूल्यवान भोट को मध्य दौरान प्रथम नीलवा मुझे बूथ रित्र देखे देखो गोबर प्रभाव में प्रशासन तरफ जो भोटर मानक आकर्षित करने जो नुआ भोटर अच्छा जुव भोटर जो मैंने प्रथम थर चलित बर्ष मतदान करकर्षण करने भोट केन्द्र को पूरा संपूर्ण भाव साजसजा कर सहित सब बड़ कथा जी कह ओडा गोटे जो कोरापुट जिला कथा जी कह गए आदिवासी अंचल जिला सहित छत्तीसगढ़ लगिक जो सब अंचल आज द्वितीय पर्यायर मतदान होती कह पाखापाखि अधिकार अधिका लोक आदिवासी संप्रदाय आसी आकर्षण करने ये आदिवासी कलाकृति सजासजा करा सहित युवपीढ़ी को आग्रह करने सेल्फी स्टैंड व्यवस्था कर किसी भोटर को रिएक्शन ना देखिपे से निजर जो भोट अच्छी भोट को दे सारी दे सारे आसला से मन में आज आग्रह अच्छी ये जो शैली ही बयान करुच्ची कि भितर मतदान को लेकिन भोट भोट भोटदान को लेकिन कौ प्रकार उत्साह रही सर देखिए आज तो दूसरा पड़ाव का चुनाव था तो अभी आपने वोट डाल दिया है किस प्रकार का माहौल है अभी और कैसा लग रहा है वोट डालने के बाद? वोट डालने के बाद एक विशेष टाइप से हमको खुशी होती है कि हम भी अपना मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं और एक भारत के निर्वाचन में हम भी अपने मताधिकार का उपयोग करके अपना मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। देखिए अभी देखिए प्रशासन की तरफ से क्या क्या योजना किया गया है जो जो फैसिलिटी मिलना चाहिए था वो सारे अरेंजमेंट किया गया है। योजनाएं तो गवर्नमेंट यहाँ चेंज हुई है तो खासकर छत्तीसगढ़ की जो कल्चर है छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति के साथ खेल कूद के साथ इनको डेवलप किया गया है प्लस आपके किसान के हित में जो गवर्नमेंट का जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो वर्तमान अभी है उन्होंने किसान के हित के लिए और उनके समर्थन मूल्य धान की जो फसल होती है उनके समर्थन मूल्य में काफ़ी बढ़ाव किया था और आगे भी करने के लिए अभी वादा किया गया है और पिछले जो वादा किए थे उन्होंने किसान के कर्जा माफ के लिए किसान के हित में तो वो कर्जा माफ भी किए हैं तो किसान बहुत ही खुश हैं प्लस यहाँ के मजदूर और जहाँ तक मैं देखता हूँ मजदूर हो गए किसान भाइयों के जवान हो गए इनको हर तरह की सुविधाएँ दिया जा रहा है। देखिए भैया अभी देखिए पहले फेज में भी डिक्लेयर किया गया था माओवादियों ने डिक्लेयर किया था कि इलेक्शन को वर्जन किया जाए बंद किया जाए और इस बार भी देखिए आपके एरिया में 2-3 दिन पहले पेट्रोल टंकी के पास ऐसे बैनर भी लगा हुआ था तो इस माहौल में डर तो लगता होगा कि कहीं कुछ हो सकता है ऐसा कुछ माहौल है या सुरक्षा व्यवस्था का? ऐसा कोई भी नक्सलवाद से कोई माहौल नहीं है यहाँ पर बढ़िया शांतिपूर्ण मतदान हो रही है और वर्तमान में जो शासन छत्तीसगढ़ में राज कर रही है उसके आने के बाद बहुत शांतिपूर्ण ढंग से माहौल चल रहा है।
रिएक्शन शुणी पड़े कि मतदान मतदाता जो भोटर मैंने मध्य कौ भाया उत्साह अच्छा जो तथ्य आधार में जो कह जो द्वितीय पर्याय मतदान जो हूँ कह सतुरी जो विधानसभा आसन पर 958 प्रार्थी अच्छा से जी कह 827 जन पुरुष अच्छा 130 महिला और आउ जन जी कह ट्रांसजेंडर जन अच्छा टोटाल जो भोटर संख्या कथ कह तेल 163,014,479 भोटर अच्छा एम भितर जो पुरुष संख्या कह 81,41,624 जन अच्छा एवं आउ पुरुष कथा महिला कथा जो कह मोर प्रतिनिधि मत रही रवि नारायण रवि नारायण देखो छत्तीसगढ़ निर्वाचन बेस महत्व रखुचे कारण आम जो हिसाब से देखीचे कि भूपेश बाघेल ना अनेक जिते आसी आरोप आसी सहित गोटे पर भाषा कथ बीजेपी तरह निर्वाचन जी आम कह जो राली अनेक शुचे इस्तेहार मत रही तो मोट पर लोकों भितर के आग्रह रखुच्छे कारण छत्तीसगढ़ जेहतु आगामी जो कि दिन भितर आसूँ साधारण निर्वाचन बेस गुरुत्व रखुच्छे छत्तीसगढ़ निर्वाचन तेणु ये मताधिकार जो मैंने सब्यस्त करने भोटर मैंने तमक भूमिका मत बे गुरुत्व बहन करते आग्रह उत्साह रही भोटर भितर सर 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 निश्चित भाव में देखूँ जो भाई भाव में छत्तीसगढ़ निर्वाचन चलती जो 70 जो विधानसभा आसन अच्छी से आसन एवं निर्वाचन प्रक्रिया चलती जो लाइन देखिपुट लाइन में जो बीजेपी जो प्रार्थी अच्छा ओपी चौधरी जे रायगढ़ विधानसभा आसन जे लड़ुंट सी एवं लाइन में लगे और बर्तमान से भितर भोट देक आसान सीधा सड़क प्रतिक्रिया ना सर आज आप खुद के लिए भोट दिए हैं कि किसी दूसरे के लिए भोट दिए आज जो आज महान का पर्व हो रहा है गणतंत्र का इसमें कैसा लग रहा है लोकतंत्र में हमारे संविधान के अनुसार वोट किसको दिया गया है ये गोपनीय रखना होता है उसे बताया नहीं जाता नियम के अनुसार इसलिए मैं गोपनीय मतदान के नियम के तहत आपको बता नहीं सकता किसको दिया हूँ बट लोकतंत्र की महान परंपरा में मैं सभी लोगों को वोट देने का आग्रह करता हूँ और कमल छाप को भारतीय जनता पार्टी को और सर एक चीज़ बताइए जैसे प्रशासन का जो व्यवस्था है व्यवस्था भी हम देख रहे हैं कि जो हिसाब से करना चाहिए सब बहुत बढ़िया से हिसाब से किए हैं निश्चित रूप से चुनाव आयोग बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्था करवाया है और लोगों को यहाँ पे बढ़िया जल्दी से भी करा रहे हैं हमारे कर्मचारी साथी लोग तो निश्चित रूप से इस मतदान के को स्पीड अप करने से लोगों को सुविधा होती है। और एक चीज़ हम देख रहे थे कि आप जब आए थे यहाँ पर तो आपको तो आपके पार्टी की ओर से तो स्वागत किया गया था लेकिन आप यहाँ पर जो थे लाइन पर लग के लगभग 45 मिनट के आसपास आप लाइन पर खड़े होकर जाके आप खुद का जो वोट दे के आए हैं तो जो देख रहे हैं जो ये लाइन देख आपके साथ आपके धर्मपत्नी को भी लेके आए थे जी निश्चित रूप से सभी का अधिकार बराबर है इसलिए लोग पहले आए हैं तो हमको उनके पीछे ही लाइन में लगना चाहिए ये तो नया वोटर है जो वोटर लोग जो आग्रह प्रकाश करके आना चाहिए उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे निश्चित रूप से युवा साथियों को मैं कहना चाहूँगा उनका एक एक वोट महत्वपूर्ण है उनके बेहतर भविष्य के लिए बेहतर रायगढ़ के लिए बेहतर छत्तीसगढ़ के लिए इसलिए सभी नवमतदाता साथियों को और युवा साथियों को विशेष रूप से मैं निवेदन करना चाहता हूँ अपील करना चाहता हूँ अपने मताधिकार का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें निश्चित भाव में देखूँ जो आज सकाल 8 जो मतदान केन्द्र में मत ग्रहण जो करोट ग्रहण कर लंबा लाइन लगी सीधा सड़क प्रतिक्रिया ना सर आप कितना समय से लाइन पे खड़े हैं और व्यवस्था कैसे देख रहे हैं अच्छी है बहुत अच्छी है करीब 20-22 मिनट जो देख रहे हैं लगभग 10-15 दिन से जो प्रत्याशी सब हैं जो घूम घूम के अपना प्रचार कर रहे थे अपना दावा सब दे रहे थे क्या कर पाएंगे बोल के सब सुन लिए अभी विचार आपका तो सब विचार करके आ गए हैं वोट देने के लिए जी जी छत्तीसगढ़ का विकास के लिए वोट करेंगे सर क्या बोलेंगे आप अभी लाइन पे खड़े हैं और यहाँ पर कितने समय से हो गया और विकास के लिए जो नारा दिया गया है विभिन्न जो पार्टियों से तो आप सब सुनने के बाद आज बूथ में आए हैं वोट देने के लिए आधा घंटे से लाइन में लगा हूँ मैं और अपने मत का अधिकार आज दूंगा और सही आदमी को दूंगा मैं सरकार की ओर से जो व्यवस्था करना चाहिए तो व्यवस्था कैसे देख रहे हैं अच्छी व्यवस्था है आज जो महिला वोटर अच्छे पचारे आप अभी वोट देने के लिए आप ये मतदान केंद्र पे आप लाइन पे खड़े कितने समय से खड़े और आज वोट देंगे कैसा महसूस कर रहे हैं मैं यहाँ लगभग 15 मिनट से खड़ी हूँ और ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हम क्या कहते हैं अपने मत का सही उपयोग करेंगे एक अच्छे व्यक्ति का चुनाव करेंगे जो हमारे भविष्य को विकास की ओर लेके जाए खासकर छत्तीसगढ़ के लिए जितनी भी समस्याएं हैं जितनी भी मतलब ग्रामीण इलाके की जितनी भी समस्याएं हैं नगरी इलाके की जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का निदान हम पाएं इसी आशा के साथ वोट देने आए देख रहे थे रायगढ़ के जो प्रत्याशी निजे निजर मताधिकार सब्यस्त करने अर्थात गणतंत्र जो महापर्व जो कहुए गणतांत्रिक जो प्रक्रिया निर्वाचन से सामिल होती निजर मताधिकार सब्यस्त करते बेस आग्रह उत्साह मत रही है भितर धन्यवाद रवि नारायण धन्यवाद मनोज। We'll be right back.
जदि आपण को आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।